देख रहे हैं गिर गया तो खुले रहता है चालू रखो देखा था अच्छा साबुन वाबुन रखा हुआ तौलिया कर दे दिए ना दे दिए हाँ ऐसा कहते हैं कि रामायण में सीता जी ने इस नदी को श्राप दे दिया कि जा बेटा हमेशा सुखी रहो सुखी नहीं सूखी रहो हाँ, तब से नदी आज तक प्यासी है पानी नहीं आता कभी ए बूढ़ा अंधा लगाइला फिर ना यही है जवानी ए बूढ़ा अंधा गड्ढा कहाँ खोदा रहा है वो पानी के लिए है पानी निकलता है क्या हाँ यहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है पानी के लिए पैसा लोगे हाँ, पानी हाँ, दिखाने का देखे दुनिया की सबसे छोटी गाइड दिखाने का पैसा भी लेते हैं का अरे कोई बात नहीं फोटो खींच रहे हैं चलो दिखाओ पानी दिखाओ हम तुम गड्ढा खोदे हो हाँ, मुँह भी दोनों तो पूरा पानी निकल गया ये देखिए हाँ। और पानी का क्या करेंगे ले जाइए पर पिंडा होता है पानी छिटता है जल होता है पिंडा अच्छा पिंडा देते हैं अगर पिन होती है ना तो पानी यहाँ से लेके जाती है हाँ। अगर नहीं होती है ना तो नहीं दो चार गो अब दे दीजिए अब देखा है अब दो चार गो के देना पड़ता है यहाँ जिसका जिसका पानी देता है दो चार गो आता है दो चार गो के देने पड़ता है पाँच पाँच रुपया देंगे दस दस में देंगे नहीं पाँच पाँच देंगे हाँ नहीं इतना छोटा जितना साइज तुम लोग दोनों को पाँच पाँच वाला साइज पाँच पाँच देंगे डूब जाएंगे इतना पानी है बोल रहे डूब जाएंगे उतना पानी नहीं है तुम डूब जाएगी अंदर हम हाथ देखिए तो पहले जाके इधर आ इधर तुम्हारा गाल खींचेंगे और इसको चेक करेंगे कितना पानी है इतना पानी है देखिए इतना पानी है नीचे मिट्टी है वो बोला कि डूब जाएगा आदमी ये वो जगह है जहाँ पे भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था पिंडदान एक रिचुअल होता है आफ्टर डेथ सो यहाँ पे सभी अपने पिताजी का पिंडदान करते हैं मरणोपरांत पर मैं यहाँ क्यों आया हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ मेरे गले से आवाज़ तक नहीं आ रही क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ देश की अगर अमीरी देखनी है तो मंदिर आओ देश की अगर गरीबी देखनी है तो मंदिर आओ में देखा है इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स में मैंने ऐसा रूल देखा है कि अगर आप हिंदू नहीं है तो आप टेम्पल के अंदर जा नहीं सकते बाल
गरुआ ने अभी खट दिया पे चढ़ा का कर भगवान का चीज है।